हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। ये हमारे एस के लिए प्रैक्टिस नंबर 7 है। एंड दोस्तों, केवल ई एम आर एस के लिए ही नहीं, ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी बिहार या स्टेट फिर से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो वो सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे सारे वीडियोज को डेली बेसिस में जो अपलोड कर रही हूँ, देखते रहें। तो दोस्तों, आपके ई एम आर एस के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ देख लीजिए। और अब आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपके अंदर डाउट है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, जो भी मैं बीपीएससी में प्रैक्टिस कराई हूँ, वो सभी वीडियोज जो है, जो प्रैक्टिस सेट आपको 125-25 क्वेश्चंस का कराई हूँ, उस सबको देख लीजिए, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ में संतुलित आहार के सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो वो होता है संपूर्ण आहार, तो दूध को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दूध आसन नहीं है, इसलिए मछली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वास्थ्य से संबंधित अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा कौन सी है? तो जैसे स्वास्थ्य की 4 अवधारणाएं हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल, तो यहाँ पे सबसे पहली अवधारणा है रिलीजियस। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से वृद्धावस्था में आंखों में कौन सा रोग होने की संभावना बनी रहती है? दोस्तों, तो वो होता है मोतियाबिंद, जो हमारे लेंस जो होता है आंखों की, उस पर सफेद परत जम जाती है, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, जिसे धुंधला दिखाई देता है। अगर उस पर लेंस पे काली परत जम जाती है, तो उसे जो है उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसे काला मोतियाबिंद कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की वसा का प्रतिशत मापा जाता है? दोस्तों, तो वसा मापा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा। एंड वसा किससे किसे मापा जाता है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में लंबी हड्डियां किस प्रकार का कार्य करती हैं? तो दोस्तों, लीवर की तरह, यानी उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं, और लंबी हड्डियां जो खोखली होती हैं, उस खोखली भाग को हैवेसियन नाल कहा जाता है, जिसमें बोन मैरो होता है, जिससे रक्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मांसपेशीय संकुचन के दौरान मांसपेशीय परिणाम में कोई अंतर न आए, तो यह संकुचन क्या कहलाता है? जैसा कि आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा, जहां पे मांसपेशी की लंबाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, तनाव बना है, तो यहाँ पे हो जाता है आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। जब मांसपेशियों की लंबाई छोटी बड़ी होती है, तो वहां पे आइसोटोनिक होता है। जब एक समान गति होती है मशीनों के द्वारा, जैसे कि पानी वाले खेले, जैसे तैराकी, रोइंग, इस सब में होता है आपका आइसोकाइनेटिक। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, पहली बार किस ओलंपिक में खेल गांव बनाए गए थे? तो 1932 लॉस एंजिल्स में सबसे पहले खेल गांव बनाया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है कि हृदय दर, यानी हार्ट रेट, और स्ट्रोक वॉल्यूम के अभ्यास के दौरान बढ़ जाने से निम्न में से क्या परिणाम होंगे? तो आपको पता है कि हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर कार्डियक आउटपुट। तो जब हम व्यायाम करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उस दौरान हमारा क्या होगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्ट रेट जो होता है प्रति मिनट 72 बार होता है, जबकि अभ्यास करते समय 180 तक हो जाता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, यानी कि एक धड़कन में हृदय रक्त को शरीर की तरफ जितना पंप करता है, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 70 ml होता है, तो 70 और 72 गुणा करेंगे तो 5.04, यानी कि 5.04 liter आपका होता है। बट स्ट्रोक वॉल्यूम साधारण अवस्था में 70 ml होता है, और वैसे आप अभ्यास करेंगे तो 110, 120, 130 ऐसे हो जाता है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कम से कम 25-30 liter हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि प्रति मिनट हृदय
जितना रक्त को पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा। सबसे जल्दी कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे अधिक होता है ऊर्जा प्रदान करता है वसा, तो यहाँ पे वसा कौन है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में जो वसा होता है हमारे शरीर में जाके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहन एक मिनट में आराम की अवस्था में 5 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा मोहन ही अभ्यास के पश्चात क्षतिपूर्ति यानी रिकवरी में 8 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है। तो 5 लीटर साधारण अवस्था में आराम की अवस्था में कर रहा था और क्षतिपूर्ति अभ्यास के बाद तो रिकवरी में 8 लीटर कर रहा था, अंतर कितना है? 3 लीटर, यानी कि 3 लीटर अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। तो यह अतिरिक्त 3 लीटर ऑक्सीजन क्या कहलाएगी? तो वह ऑक्सीजन ऋण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीजन ऋण यानी ऑक्सीजन डेप्ट भी कहता है, जिसके एवी हिल ने इसका आविष्कार किया था। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हम तेजी तेजी सांस लेते हैं, तो उससे साधारण अवस्था से ज्यादा मात्रा में हम सांस लेते हैं, उसी को कहते हैं हम ऑक्सीजन ऋण। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि निम्न में से एक मुक्केबाज को क्या कहा जाता है। तो मुक्केबाज को पुगलिस्ट तकनीकी भाषा में बोला जाता है और बास्केटबॉल खिलाड़ी को केजर्स बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से एंकर रनर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रिले रेस के किसको कहा जाता है? रिले रेस के टीम के रिले रेस टीम के आखिरी धावक को एंकर रनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शैली द्वारा एक तैराक तेज तैराकी कर सकता है। तो दोस्तों फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये तैराकी की 4 शैलियां हैं जिसमें सबसे तेज जो है वो फ्री स्टाइल शैली होती है। कौन सी स्टाइल होती है? फ्री स्टाइल तैराकी की सबसे तेज गति वाली स्किल है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर्टलेक से क्या विकसित किया जाता है। तो दोस्तों फॉर्टलेक जो है स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले, गति में चाल। तो एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आया हुआ था, तो इसी स्पीड जो है ये सहनशीलता इंड्योरेंस डेवलप करने की विधि है। ठीक है, इसी इंड्योरेंस डेवलप होता है, इसकी खोज 1937 में गुस्टाव होमलर ने किया था। एंड क्वेश्चन दोस्तों और ये फॉर्टलेक में याद रखिएगा ये नॉट प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है। क्या किया जाता है? नॉट प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग यानी कि पहले से योजना नहीं बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। रेनिन जो है दूध के पाचन में सहायक होता है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है यानी कि वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरीन में बदल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा कि वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो लाइपेज। इसमें से आप जान लीजिए कि रेनिन जो है हमारे अमाशय से स्रावित होता है और अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है जो जाकर के छोटी याद के प्रथम भाग डोडिनम में जाकर के पाचन करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है एक छोटे बच्चे के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा सामान्य से अधिक की जाएगी। तो छोटे बच्चे को क्या जरूरत होती है? उसके शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण करने के लिए क्या जरूरत होता है? प्रोटीन। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा। शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा बच्चों को क्या आवश्यकता होगी? प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है सबसे पहला ISI मार्क किस पर लगाया गया था। तो ISI मार्क सबसे पहले तिरंगे पर लगाया गया था। दोस्तों ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो 1955 से शुरू हुआ था और इसका नाम बदल करके 1987 में BIS हो गया। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन है। ठीक है, एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में निम्न में से हैदराबाद में क्या स्थित है। तो भारत में निम्न में से हैदराबाद में क्या स्थित है दोस्तों, निन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, डोपिंग की जांच के लिए शरीर के निम्न में से किन पदार्थों का परीक्षण किया जाता है दोस्तों, तो मूत्र का परीक्षण किया जाता है, यूरिन का। अगर यूरिन में भी सही जांच नहीं आया तो रक्त का लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गैस क्रोमेटोग्राफी तथा मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक तकनीकों का प्रयोग निम्न में से किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है डोपिंग की जांच के लिए। दो विधियां हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा उपकरण शारीरिक शिक्षा की फिजियोलॉजी लैब में नहीं आता है, तो दोस्तों स्टेथोस्कोप से हार्ट रेट मापा जाता है, ए फिजियोलॉजी यानी क्रिया विज्ञान के अंतर्गत लैब में आता है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो आंतरिक रक्त की माप करता है, रक्त दाब की, ब्लड प्रेशर की, ये भी आता है, लैक्टिक एसिड एनालाइजर भी आता है, बट आपका स्टेडियोमीटर से लंबाई या ऊंचाई मापा जाता है, यह फिजियोलॉजी लैब नहीं आएगा, ये एनाटॉमी लैब में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस ओलंपिक में किस राष्ट्र अध्यक्ष ने और किस खिलाड़ी को गले में पदक पहनाने से मना कर दिया था, तो वो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 1936 बर्लिन में हिटलर ने जेसी ओवेंस को गले में पदक पहनाने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, एशियन खेलों को कौन संस्था संचालित करती है, तो OCA करती है यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, वह कौन सा पदार्थ होता है जिसमें सभी विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वह होता है आपका दूध। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे शरीर में दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो वह होता है आपका रेनिन, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, केडी जाधव ने किस ओलंपिक तथा किस देश में भारत के लिए एकल स्पर्धा में पहला पदक अर्जित किया, तो वो है 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक, ठीक है, ये एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किए। उसके बाद दोस्तों प्रथम बार भारतीय महिला एथलीटों में भाग ली 1952 हेलसिंकी में, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें मेरी डिसूजा एंड नीलिमा घोष थी। एंड प्रथम भारतीय धावक 1952 हेलसिंकी में लेवी पिंटो है, जो 200 मीटर में सेमीफाइनल में पहुंचा। एंड फिर आपका आता है 1960 रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह चौथा स्थान प्राप्त किए 400 मीटर में। एंड फिर आता है 1958 में मिल्खा सिंह ने 1958 एशियाड में 200 मीटर 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, और मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल में 1958 में 400 मीटर में स्वर्ण पदक, और अमेरिका ने इन्हें हेजर्ड अवार्ड से नवाजा था। एंड दोस्तों सुशील कुमार के कुश्ती कोच जो है सतपाल सिंह जो है वह 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में खेले। फिर आता है 1928 के बाद का दौर, जिसमें से 1984 में पीटी उषा जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में चौथा स्थान प्राप्त की। फिर आता है 1996 का दौर, जिसमें 1996 में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस टेनिस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता ब्राजील के फर्नांडे को हराकर, और भारत के पहले भारतीय व विश्व के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, जो टेनिस खिलाड़ी ऐसे हैं जो 7 ओलंपिक में भाग लिए। एंड फिर आपका 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती, ये ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला पदक विजेता बनी कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में। फिर आता है 2004, जिसमें भारत ने सिर्फ एक पदक जीता, जिसमें से राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी में
25 मीटर डबल राइफल में रजत पदक जीते। फिर आपका 2008 में बीजिंग चीन ओलंपिक में भारत ने 3 ओलंपिक पदक जीता, जिसमें से 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक। 1 स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में किसी वैयक्तिक स्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले ये अभिनव बिंद्रा बने। और 2 कांस्य पदक में पहला विजेंद्र सिंह मुक्केबाज में 75 केजी में, यानी कि मुक्केबाजी में पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज बने ओलंपिक में। एंड दूसरा कांस्य पदक सुशील कुमार कुश्ती में 66 केजी में, 65 वर्ष के बाद भारत के किसी पहलवान ने कुश्ती जीता था। इसके पहले 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में कई जादव जीते थे। फिर आता है 2012 लंदन ओलंपिक, जिसमें भारत ने 6 पदक जीता, जिसमें से 2 रजत 4 कांस्य पदक, 2 कुश्ती में पदक जीता, 1 रजत 1 कांस्य पदक कुश्ती में, जिसमें से 1 रजत सुशील कुमार 66 केजी फ्री स्टाइल में, 1 कांस्य पदक योगेश्वर दत्त 60 केजी, और 2 निशानेबाजी में 1 रजत 1 कांस्य पदक। तो 1 रजत निशानेबाजी में विजय कुमार 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टो में, और 1 कांस्य पदक निशानेबाजी में गगन नारंग 10 मीटर एयर राइफल में। एंड 1 बैडमिंटन में कांस्य पदक साइना नेहवाल। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में, साइना नेहवाल किससे ओलंपिक से संबंधित थी, कांस्य पदक जीती थी, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती थी 2012 लंदन में। एंड मुक्केबाजी में कांस्य पदक एमसी मेरिकॉम ने जीता था। एंड दोस्तों जो है जयदीप कर्माकर जो है 50 मीटर एयर राइफल प्रोन में सिर्फ 1 अंक से कांस्य पदक से चुके थे। एंड अब आता है 2016 रियो ओलंपिक ब्राजील में, जिसमें भारत ने 2 पदक जीता था, 1 रजत 1 कांस्य पदक। 1 रजत पीवी सिंधु बैडमिंटन में भारत की प्रथम महिला रजत पदक विजेता बनी। एंड 1 कांस्य पदक साक्षी मलिक 58 केजी फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में भारत की प्रथम रेसलर बनी। एंड दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक वर्ल्ड स्पर्धा में 4th स्थान प्राप्त की और जिम्नास्टिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। उसके बाद आता है आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक, जो कोरोना के कारण 2021 में हुआ था, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक, जिसमें से 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता 87.58 मीटर थ्रो करके, और 2 रजत जीता, जिसमें 1 रजत मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टर में और रवि कुमार दहिया कुश्ती में। अब 4 कांस्य पदक, जिसमें से पहला है लविलना बोरगोहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में, एंड भारतीय हॉकी टीम। इस प्रकार सभी भारतीय ओलंपिक पदक मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि एक टेस्ट क्रिकेट मैच में के एक ओवर में कितनी बाउंसर अनुमति है, तो यहाँ पे 2 बाउंसर की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 28 है ओलंपिया नामक शहर किस देश में स्थित है, तो वह है ग्रीस यानी यूनान देश में। क्वेश्चन नंबर 29 है सेट शॉट का संबंध किस खेल से है, तो यह है बास्केटबॉल से। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि महिलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है, तो 600 ग्राम होता है, और पुरुषों के लिए 800 ग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है कि अपेंडिक्स नामक शारीरिक अंग मानव शरीर के लिए आदिकाल में क्या कार्य करता था। दोस्तों यह जो बड़ी आंत में पूंछ के समान दिखता है वही अपेंडिक्स होता है, जो प्राचीन काल में कच्चे भोजन को पचाने में मदद करता था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हमारा रक्त अशुद्ध यानी डी ऑक्सीजनेटेड कहाँ पर होता है, तो दोस्तों सिराओं में जो है वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पे सिराओं में राइट हो जाएगा। अब शुद्ध रक्त पूछेगा तो धमनी में, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से गोनियोमीटर क्या मापता है, दोस्तों तो यह हमारी लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में पाए जाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो वो है इस ऑप्शन के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1991-92 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हमारे भोजन में
खाए गए आयरन द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो दोस्तों इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है जो ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिल्मा रोडॉल्फ नामक महिला खिलाड़ी के चर्चित होने का संबंध किस ओलंपिक से है तथा उसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों 1960 रोम ओलंपिक में बिल्मा रोडॉल्फ का संबंध है अमेरिका से है। तो दोस्तों जो बिल्मा रोडॉल्फ थी 1960 रोम इटली ओलंपिक में स्वर्ण पदक 200 मीटर एंड 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीती दोस्तों। और यह बिल्मा रोडॉल्फ जो है धाविका थी, एथलीट थी जो 19 औलादों में थी, 17वें नंबर की थी और 4 साल में यह हृदय रोग की शिकार हुई और 11 साल तक बिल्मा रोडॉल्फ जो है ठीक से चल भी नहीं पाती थी और 100 मीटर को 11.0 सेकेंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कंडीशन में दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई और हम लोगों को तो भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है तो भी हम लोग इतना कमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से क्या एक लीवर का कार्य नहीं करता है? दोस्तों तो क्रिकेट का बैट भी करता है, स्क्रू पेच भी करता है, पुली तथा जो गोल घूमती है वो भी करता है, बस हॉकी का गेंद जो है नहीं करता, वो एक जगह रखी हुई है तो क्या काम करेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि प्रथम श्रेणी लीवर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमने बताया है ठीक है FAR312। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है और जिसे हम कहते हैं संतुलन का लीवर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ संतुलन का लीवर। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के हम कहते हैं क्या? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को हम कहते हैं बल का लीवर जिसे भार बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के। और तृतीय श्रेणी के उत्तलक में जो है इसे हम गति का लीवर कहते हैं जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है जिसमें फोर्स यानी बल बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। ठीक है तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, गति के नियम बनाने वाले सर आइजैक न्यूटन निम्न में से क्या थे? तो दोस्तों यह ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? यह ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने जो गति का नियम दिया यह 1987 में प्रिंसपिया पुस्तक में इन्होंने गति के 3 नियमों का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक क्रिया द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है? दोस्तों तो द्वितीय श्रेणी में लीवर क्या होता है? लीवर में रेसिस्टेंस यानी कि भार बीच में होता है। ठीक है तो रेसिस्टेंस यानी कि भार बीच में होता है, रेसिस्टेंस यानी कि भार बीच में होता है। ठीक है ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो यहाँ पे आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि डिप्स यानी पुशअप लगाना, जबड़े का खुलना बंद होना एंड प्लांटर फ्लेक्शन एंड आपका बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल एंड पंजे से जंप करना, ये सभी है आप द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण। तो यहाँ पे क्या आपका राइट हो जाएगा? जबड़े का खुलना और बंद होना। ठीक है ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे है? तो जहां किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का जहां पे समस्त भार कार्य करता है उस बिंदु को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बिंदु या गुरुत्वाकर्षण या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। ठीक है एंड क्वेश्चन नंबर 43 है कि अगर वस्तु हवा में हो तो निम्न में से क्या बदलाव के लिए असंभव है? तो दोस्तों अगर हवा में है तो उसकी गति को हम बदल सकते हैं। ठीक है उसकी स्थिति को भी बदल सकते हैं दूसरी दिशा में, उसके भार को भी बदला जा सकता है बट उसके आकार को नहीं बदला जा सकता। ठीक है उसके आकार को बदलना क्या है? असंभव है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्लांटर फ्लेक्शन नामक गति सिर्फ शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों यह हमारे टखने में होती है जो द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारी कोहनी निम्न में से कौन सी गति नहीं करती है? तो दोस्तों फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करती है और प्रोनेशन भी करती है बट हमारा घूर्णन गति नहीं करती है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 46 है, हाथ की उंगलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा इनवर्सन, इनवर्सन। क्वेश्चन नंबर 47 है, चल संधि के पास जहां साइनोवियल नामक तरल पदार्थ पाया जाता है उस कैप्सूल को क्या कहते हैं? तो उस कैप्सूल को बोला जाता है फाइबर्स कैप्सूल। क्या बोला जाता है? फाइबर्स कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 48 है,
की दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर की गेंद अंदर यानी लेग स्टंप पर न जाकर बाहर यानी ऑफ स्टंप पर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दूसरा, यानी कि जो सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान जो दूसरा नामक गेंदबाजी के आविष्कारक थे, दूसरा का गुरु मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका को माना जाता है, इस तरह की गेंदबाज हरभजन सिंह और शेन वार्न भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के प्रथम चरण में ऊर्जा कोशिका में कहाँ बनती है? तो यह बनता है साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में। जैसे कि हमारा जो श्वसन होता है दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी श्वास अंदर लेना बाहर छोड़ना जो फेफड़े में संपन्न होती है, एंड जो आंतरिक श्वसन होता है वह कोशिकाओं में संपन्न होता है। जैसे कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन दो प्रकार की होती है, कोशिकीय श्वसन जिसे आक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन कहते हैं, अनाक्सी श्वसन जिसे हम अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है ऊर्जा बनता है, जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है जो ग्लाइकोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सारकोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। फिर और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया को ही हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर यह पायरुविक अम्ल जो जाता है माइटोकांड्रिया में, जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है यानी ऊर्जा बनता है, जिसमें 36 ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एक ग्लूकोज के जारण से 38 ATP का निर्माण होता है, 2 anaerobic ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया और 36 ATP जो है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि आक्सी श्वसन के दौरान। एंड क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि निम्न में से कौन यूनान से संबंधित नहीं है? तो जो पेलेस्ट्रा है यह पूर्व उत्तर काल पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को पेलेस्ट्रा कहा जाता था, जिसे कुश्ती जिसमें कुश्ती मुक्केबाजी व जिम्नास्टिक दिखाई जाती थी। तो ये भी आपका यूनान से संबंधित है क्योंकि एथेंस यूनान में ही आता है। टाइगेस पर्वत जो है स्पार्टा काल में जो कमजोर अपंग बच्चे होते थे उसको इस टाइगेस पर्वत से फेंकवा दिया जाता था, ये भी वहीं से संबंधित है। और पिंडार नामक कवि होता था जो ओलंपिक में विजेता खिलाड़ी होते थे उसके संबंध में कविताएं गाता था, तो ये तीनों आपका यूनान से संबंधित है, जबकि कोलेजियम जो है वह आपका यूनान से संबंधित नहीं है। कोलेजियम जो है यूनान से संबंधित नहीं है। कोलेजियम यानी कि थर्म फार बाथ जो है यह उत्तरार्ध रोम काल से संबंधित है, जबकि एक होता है आपका कीचड़ स्नान मौड बाथ, यह है आपका पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के सेशन में 50 MCQs था। तो दोस्तों जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, चाहे किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।